खेती वेती नहीं है तुम्हारे यहाँ? बच्चा वगैरह कितने हैं? नरे हैं तो बताओ, छह बच्चा कर ले। गरीब गरीब आदमी हो जाते हैं, तुम कहा जानो गरीब कैसे हो जाए, मालूम तुम्हें? नहीं मालूम है। बताओ बताओ। एक कुठरिया बता, एक रजाई खसम में अरिया भाई परे। मैं तो बच्चा तो बनी भैया। नहीं तो इतनी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि बच्चे जितने कम होंगे उतने अच्छे, वो चीज़ नहीं पहुंचती। अरे यार तुम तो जब एक आग भूसे काटो तब कहाँ ले हो। अरे माहौल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? हर आदमी चाह रहा है भाई। अच्छा हर आदमी चाह रहा है चेंजिंग हो, हर पाँच साल में चेंजिंग हो उससे अच्छा रहता है। अच्छा। मान चलो हर आदमी काम करने की कोशिश करता है, ये करता है भाई पाँच साल में हमें कुछ करना है। क्या नाम है आपका बता? उदयवीर सिंह। क्या काम करते हो? ये मजूरी वजूरी करे आते यार। मिल जाती है डेली मजूरी? डेली कहाँ आ रही, तो नरे रुपया हो जाए। अच्छा कितने क्या रेट चल रहे? 600 चल रहे, 700 चल रहा है? 400 चल रहा है। अच्छा अलग अलग जगहों पे कई जगह 500 भी है और तो डेली क्या क्या मतलब मिल पाते हैं? 400 भी मिल जाते हैं डेली? डेली कहाँ से मिल रहे यार? मिले तो कहाँ जाते हो मजदूरी सर्च करने के लिए? भैया इटावा जाते हैं। बीच बीच में मतलब अगर एक महीने में बात की जाए कितने दिन मिल जाती है मजदूरी? मिल जाए 12-14 दिना। 12-14 दिना मिल जाते, उसी से खर्चा वर्चा चलता है। वो कहे तो चले भैया। और खेती वेती नहीं है तुम्हारे यहाँ? बच्चा वगैरह कितने हैं? नरे हैं तो बताओ, छह बच्चा कर ले। गरीब आदमी हो जाते हैं, तुम कहा जानो गरीब कैसे हो जाए, मालूम तुम्हें? नहीं मालूम है। बताओ बताओ। एक कुठरिया बता, एक रजाई खसम में अरिया भाई परे। हमें तो बच्चा तो बनी भैया। नहीं तो इतनी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि बच्चे जितने कम होंगे उतने अच्छे, वो चीज़ नहीं पहुंचती। अरे यार तुम तो जब एक आग भूसे काटो तब कहाँ ले हो। अच्छा तो ये बताओ अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इसका माहौल क्या बन रहा है चुनाव में? तुम देखो चाहे सपा को हो चाहे बसपा को हो चाहे भाजपा को हो, हमें ज्यादा डर नहीं लगा। हम कहोगे नहीं है। अरे यार भाई जरूर कहोगे, सबसे बराबर की पूछ रहे जो जिनकी कह रहे हैं। अब चाहे वोट डालो सपा में चाहे डालो भाजपा में, सरकार तो भाजपा की बन नहीं है। अच्छा लग रहा है पक्का? ये लोग तो कह रहे हैं कि बदलेगा। अरे तो सोच विचार नहीं की है। अच्छा पक्की लिखित दे सका था। अच्छा तो आपको क्यों लग रहा है सर के साथ भाजपा की बनेगी? अरे ऐसे लग रहा है ये मेरे बाप प्रधानमंत्री हैं, इनके लड़का हम ये हो गए मुख्यमंत्री और हम जो है कमिश्नर हो SP। मतलब आप ये कह रहे हो सब बटा हुआ है आपस में? अरे नहीं बट नहीं समझे नहीं, कंट्रोल में है सब एक ही जगह। मेरे बाप ही के मतलब ये कह रहे हो मोदी के कंट्रोल में सब? अरे जागी सरकार मोदी हो चाहे भाजपा की होती हो, मोदी तो भाजपा ही में और नहीं नहीं सपा की हो तो क्या कर लेते? अच्छा सपा वाले भाई हाल हो तो। अच्छा तो सपा की तो थी पहले, उन्होंने कहीं कंट्रोल कर पाया, इससे पहले तो सफाई की थी 2017 से पहले। कैसे हैं मिल पाई भगवान जान तो ये। अच्छा तो आपको नहीं लग रहा जैसे महंगाई है और ये सारी चीजें हैं किसान महंगाई नहीं, अब बताओ महंगाई है तो किन तरह है? आप कह रहे हो हमें मजदूरी नहीं मिल रही तो फिर भी आप खुश हो इनमें तो? अरे यार सरकारी नौकरी लगवा दिएगा नहीं तो रोजगार की व्यवस्था और इस तरीके के फैक्ट्री खुलवाए या फिर ऐसा कुछ करें जिससे? यार फैक्ट्री में लगे हैं तो बड़े पैसा वाले आदमी ने लड़का लगेगा, हम तो फटी चढ़ने के लग जाए। अच्छा आपको राशन वगैरह मिल रहा है सर? मिल रहा हो राशन माँ को चुदा राशन आसन तुम जई तो चूतिया बनती है। बहुत सारी जो गल्ला ना बांट गए विदेश को कर्जा लदो है बाय दे जाए बेच गए। अच्छा तो आप लोग क्या खाओगे फिर? का बेखबा रहे जिंदगी से? आप लोग नहीं खाना ना खाओगे, आप लोग जरूरत नहीं है? अरे यार हम मेहनत नहीं करते। अच्छा तो आप कह रहे हो मेहनत हमें मिलती नहीं? अरे यार मैं तो नहीं खाता काम। आप कह रहे हो हमें 14-10-12 सोई मिल पात महीना मजदूरी मजदूर आदमी 12-14 ना मिल पे। आप कह रहे हो हमारे 6 बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई उनकी फिर कैसे होगी? खूब एंट्री BSc कराई मैंने। अच्छा तो आप लेकिन कमियां सब गिना रहे हो कह रहे हो फिर भी खुश हो इनसे? अरे यार इनसे का हम तो जो सरकार है ताजा खुश रहे। अच्छा समझे नहीं बात नहीं चाह क्या रहे हो आप? मतलब चलो आप तो ये कह रहे हो वो आएगी लेकिन आपका मन क्या है, दिल क्या चाह रहा है? मन तो यही बात है कि जब उन्हीं के सब हैं पावर में नौकरी करियो तो जो हम क्या सुख करने पर ये। अच्छा देखो दिल्ली प्रधानमंत्री हो गए मोदी साहब, अजित हैं योगी साहब, उनके नीचे कमिश्नर, कमिश्नर नीचे SP DM। अच्छा यहाँ पे जैसे अभी हमने दादा से लोगों से बात की वो कह रहे हैं यहाँ पे जातिवाद का मामला बहुत चलता है। नहीं 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 जातिवाद हमारे गांव में नहीं जातिवाद है, गांव में जातिवाद नहीं है लेकिन लोग वोट तो अपने उसके अनुसार डालते हैं सारा। नहीं
जैसे जो यादव वर्ग है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। देखो मेरे यहाँ सपा का और ममनन वोट और कछु हरजन कठेरिया वगैरह ये तो सपा के आदमी हैं। कछु बाकी हैं हाथी वाले भाजपा और सपा दही के वोट ज्यादा मेरे यहाँ। अच्छा तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है माहौल यही रहेगा, बदलेगा नहीं है, बदल नहीं सकता है, पर जो लोग चाह रहे हैं बदलाव फिर उनका क्या होगा? कावे बार हो गए को का कर लिए चिल्लाता ही रहो। अच्छा बदलेगा नहीं माहौल लेकिन। हाँ भैया आप अफजल क्या काम करते हो? मजदूरी कर रहे भाई ठेले की। ठेले लगाते हैं, कैसी चल जाती है दुकान? दुकान सवेरे तो लगाए हैं 40 रुपये आए, शाम को ज़्यादा चलती होगी। शाम को कहाँ चले, जब सवेरे तो नहीं चले तो संजा कुत्तो आ जाए। शाम को पीने वाले ज़्यादा आते हैं, पीने वाले भैया जब पिए कहाँ, जब काम मिले तो वहीं तो पिए। तो इस बार जैसे जो चुनाव आ रहे हैं क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल का है भैया मान के चलो जाके लाठी ताई की भैंस है। अच्छा तो अभी लाठी किनकी है? अब जाके लाठी ताई की भैंस है बीजेपी को, आपको को पता है किनकी लाठी है? बीजेपी की लाठी आपको को पता है भैया? तो आप क्या चाह क्या रहे हो, चलो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, माहौल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? हर आदमी चाह रहा है भाई। अच्छा हर आदमी चाह रहा है चेंजिंग हो, हर 5 साल में चेंजिंग हो उससे अच्छा रहता है। मान चलो हर आदमी काम करने की कोशिश करता है, ये करता भाई 5 साल में हमें कुछ करना है तो आगे हमें दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा हर आदमी सोचता है हम दिखाएं कुछ। शादी होगी आपकी? अच्छा पापा आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बेहो घर पे रहते हैं, मजदूरी करते थे, अब तो एक्सीडेंट हो गया तब तक घर पे ही है। अच्छा अच्छा पढ़ाई वगैरह नहीं की थी आपने? हमने नहीं करी, अनपढ़। अच्छा अच्छा काम का कब से कर रही है? काम ऐसे मान चलो 15 रुपये मिलते थे आलू बीनने तब से कर रही। अच्छा और जैसे खेती वगैरह नहीं है? नहीं दे दूँगी। अच्छा।